आपकी कई कथाओं में हमने वृंदावन को लेकर बहुत सारी बातें सुनी हैं। उसमें सबसे पहले ना आपके द्वारा ये कहा जाता है कि वृंदावन अब जो है कि पिकनिक स्पॉट की तरह बनता जा रहा है। पहले वृंदावन सिर्फ तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता था, आज भी लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन जिस तरह से लोगों ने वो पिकनिक स्पॉट बना दिया है उसमें कहीं ना कहीं मुझे एक छोटा सा योगदान आपका भी लगता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जगह जगह हम देखते हैं वृंदावन में आपके द्वारा बैठने के लिए बेंच लगाए जा रहे हैं, पीने के लिए पानी का प्याऊ लगाया गया, और भी बहुत सारी आधुनिक चीज़ें आपके द्वारा लगाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपका योगदान नहीं है वृंदावन को पिकनिक स्पॉट बनाने में? नहीं, क्योंकि गुरुद्वारे आप जाते हैं, कभी गए हैं? बिल्कुल गुरुवार। जब आप गुरुद्वारे गए होंगे तो आपने एक चीज महसूस करी होगी कि आप को खरीद कर खाना नहीं खाना पड़ेगा, बिल्कुल आपको भोजन वहां पर मिल जाता है मिल जाएगा, जी, आपको पीने के लिए पानी वहां पर मिल बिल्कुल जाएगा। मिलता है आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपका नाम आमिर खान है तो आपको पानी दिया जाए जी जी या नहीं दिया जाए। आप गुरुद्वारे गए हैं, आप गुरु के घर गए हैं, आप वहाँ किसी भी नाम से जा कर के बैठ जाते। मैं सन्यासी के भेष में हूँ, मुझसे नहीं पूछा जाएगा कि आप कौन से संप्रदाय से आ रही हैं, आपका जी ये नाम है, आप मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ पर मुझे भोजन मिल जाएगा। मेरी अंदरूनी एक फीलिंग्स है कि कोई बांके बिहारी के पास आए, कोई राधा रमन लाल जी के जी पास आए, कोई कहे कि मैं राधा रानी की धरती पे जा रहा हूँ, तो जब कोई माँ के पास जाता है, हनुमान जी भी जब अशोक वाटिका में गए थे, सीता मैया के पास कुछ नहीं था, जी लेकिन हनुमान जी ने कहा माँ मुझे भूख लग रही है, जी तो माँ ने कहा कि यहाँ फल हैं बहुत सारे, उनको खा ले। हाँ वो फल सीता जी के नहीं थे, पर बेटा माँ से मांगेगा तो माँ उसको देगी, और बेटा बिल्कुल भी कहीं और नहीं मांगेगा, इतना लंबा सफर करके आया, कहीं नहीं बोला कि मुझे भूख लग रही है। जिस बेचारी माँ के पास कुछ भी नहीं है, वो खुद ही भूखी बैठी है, उससे आकर के कह रहा है कि माँ मुझे भूख लग रही है। जी माँ के पास आकर भूख लगती है। आप भगवान के पास जाएंगे, आप राधा रानी के पास जाएंगे, तो आपको खरीद के पानी पीना पड़े, आपको खरीद के भोजन करना पड़े, तो कहीं ना कहीं राधा रानी को महसूस होता है कि कोई मेरे घर आए तो उसे खरीद के पानी नहीं पीना पड़े, उसे खरीद के भोजन नहीं करना पड़े, उसे मेरी गोद में आकर भोजन और पानी मिले। कोशिश मेरी यही है, मैं हालांकि बहुत नहीं कर पा रही हूँ बड़ा, पर कोशिश यही कर रही हूँ कि अगर कोई राधा रानी के पास वृंदावन में आता है तो उसे भंडारा मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए गुरुद्वारे की तरह, और उसे पानी मिलना चाहिए। मैं अकेले नहीं कर सकती, सबको मिलके करना चाहिए। भंडारे बहुत हैं, जी लेकिन ज्यादातर गिने चुने मंडलियों के लिए, गिने चुने साधुओं के लिए, कुछ उस तरह के लोगों के लिए जो केवल मांग कर ही खाते हैं, उन लोगों के हिसाब से चल रहे हैं। जी अगर वो सारे भंडारे अगर हम लोग एकजुट होकर के चलाएं, तो हम एक बड़ा भंडारा इस तरह का चला सकते हैं कि कोई भी दर्शनार्थी वहां पर 24 घंटे में कभी भी निशुल्क भोजन और पानी प्राप्त कर सकता है, पेड़ की छांव प्राप्त कर सकता है। वृंदावन माने वन। अब आप यहाँ आकर के अगर उसे भोजन और पानी और पेड़ की छाया नहीं मिले तो कहाँ मिलेगी? इसीलिए वाटर कूलर लगाना, भंडारा चलाना और पेड़ लगाना, इसमें पिकनिक स्पोर्ट्स नहीं नहीं है, पर ये बड़े रूप में होना चाहिए। जी ये कहीं ना कहीं अभी छोटे रूप में है, बड़े रूप में होना चाहिए, इतने बड़े रूप में कि हर एक दर्शनार्थी भोजन करके जाए। बहुत शानदार। मंदिर जाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, सभी कहते हैं गुरुवा, हम भी ये मानते हैं, लेकिन आजकल के बिजी शेड्यूल में कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे पास मंदिर जाने का समय तो नहीं है, लेकिन हमारे मन में भगवान है। तो भगवान भक्ति को किस रूप में स्वीकार करते हैं? और सबसे बड़ी बात की मान लीजिए कि कोई डेली पूजा करता है, आज उसका मन नहीं हुआ पूजा का, उसने नहीं किया, तो क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा भक्ति में, या भक्ति की सही परिभाषा क्या हो सकती है? जब हम मंदिर बनाते हैं तो वहाँ पे कुछ चीजें क्रिएट करते हैं, यंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा और दिशाओं के द्वारा, जिसमें वास्तु, ज्योतिष और अध्यात्म विज्ञान, ये तीनों शामिल होते हैं। जैसे अब एक स्टूडियो है, और भी कमरे में बैठ सकते थे हम, लेकिन हम यहाँ पे बैठे हैं, इसको तैयार किया गया है। इस स्टूडियो को किसी साधारण आदमी से कहो वो तैयार नहीं कर सकता, जो जानता है
उसे पता है कि यहाँ पे इतनी ये चीज लगानी है, ये कलर लगाना है, इससे यहाँ पे ये परफेक्ट रहेगा। ठीक वैसे ही मंदिर को जब तैयार किया जाता है तो उसमें ज्योतिष विज्ञान भी शामिल होता है, वास्तु विज्ञान भी शामिल होता है और अध्यात्म विज्ञान भी शामिल होता है। जब ये तीनों शामिल होते हैं तो एक एनर्जी क्रिएट की जाती है। उस एनर्जी को क्रिएट करके उस मूर्ति में कहीं ना कहीं कोई भी तपस्वी संत महात्मा अपने प्राण ऊर्जा से प्राण फूंकता है, वो उसको जीवंत करता है। वहाँ पे मंत्रों का समायोग होता है, फलस्वरूप एक एनर्जी और एक जीवंत वस्तु वहाँ पे मौजूद हो गई। अब वहाँ पर कोई जाएगा और चूंकि मंदिर जा रहा है स्वाभाविक है पॉजिटिव वे से जाएगा, कहीं दूर के मंदिर में गया है तो वहां उसे कोई जानता भी नहीं है तो मन उसका शांत हो चुका होगा। पास के मंदिर में जाएगा तो वहां भी अड़ोसिन पड़ोसन से गपशप वगैरह ये सब होंगी, लेकिन दूर कहीं गया है, जैसे मैं यहाँ से जाऊं केदारनाथ, वहां मुझे कोई नहीं जानता है, मुझे वहां पे ज्यादा शांति मिलेगी क्योंकि मैं इतनी दूर गई हूँ और मुझे पता है कि वहां पे। तो जब मैं उसकी एनर्जी के घेरे में पहुंची तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो जो वास्तु था, वो जो ज्योतिषी गणना वहाँ पे थी, जो वो यंत्र था, जो वहाँ पर मंत्रों की शक्ति थी और वहाँ पे जो एनर्जी एक मूर्ति थी, मैं वहाँ पर अपनी ऊर्जा को उस ऊर्जा से भरते हुए देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे खाली गड्ढा था और वो भर गया। अभी हमको क्यों नहीं लगता कि हमें मंदिर जाने में मन नहीं लग रहा है या पूजा पाठ करने में मन नहीं लग रहा है? क्योंकि हमने उस चीज को तैयार नहीं किया, हमने उस पॉजिटिव वे को तैयार नहीं किया। अगर हमने अपने घर के मंदिर में उस पॉजिटिव वे को तैयार नहीं किया तो घर के मंदिर में भी जाने को मन नहीं करेगा। ऐसे तो वहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है पुराना वाला, उसके मुकाबले हमारे शहर में जो मंदिर बना है उसमें ज़्यादा पैसा लगा है, वो ज़्यादा भव्य है, वो ज़्यादा सुंदर है, उसमें ज़्यादा कीमती पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे बैठ के शांति नहीं मिल रही है, वो पुराने वाले में बैठ के शांति मिल रही है क्योंकि वो जो एनर्जी का फ्लो है वो वहाँ मुझको भर रहा है। यहाँ पे मुझे पत्थर तो सुंदर देखने को मिल रहे हैं लेकिन एनर्जी का फ्लो नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए लोग मंदिर जाते थे कि वो जो मेरी खाली एनर्जी है वो वहाँ से मैं उसको, क्योंकि मेरे घर का वास्तु वैसा नहीं, मेरे घर की ज्योतिषी पद्धति वैसी नहीं, मेरा घर यंत्र के माध्यम से नहीं, तो मुझे वहाँ से तो वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं, तो कम से कम मंदिर में जा कर के मिल जाएं। हाँ, जब कोई ध्यान में बैठता है तो वो चीज़ें अपने में क्रिएट करता है, इसीलिए ध्यान के लिए कहते हैं कोई पेड़ का किनारा हो, कोई नदी का किनारा हो, कोई पर्वत हो, जहाँ पे प्रकृति हो, जहाँ पे शांत हो करके तुम पॉजिटिव वे हो तो फिर वो रास्ता निकल आएगा। इसलिए जब कभी मन ना लगे, ऐसा लगे कि मेरा पूजा में मन नहीं लग रहा है, माला फेरते नींद आ रही है, तब उस अर्न को याद करो, जो जैसे आप कहीं पे काम करते हो तो वहाँ पे अर्निंग नहीं हो रही है, 8 घंटे की काम करवा रहे 14 घंटे, तो फिर ऐसा लगे ना बोर हो रहे हैं, काम पैसा तो नहीं मिल रहा 8 घंटे का भी काम करवा रहे 14 घंटे, और पता पड़े काम करना है 6 घंटे लेकिन पैसा मिल रहा है 15 घंटे का 24 घंटे का, तो वो 6 घंटे हम पूरा जुट जाते हैं। तो जब हम ध्यान में, अगर हमें ऐसा लगे कि मन नहीं लग रहा है, वो एनर्जी हमको नहीं मिल रही है, तो उस जगह को चूज करो जहाँ पे तुम्हें उस एनर्जी का फ्लो मिलता हो, तो अपने आप ध्यान में मन लग जाएगा। फिर तुम पूजा में बैठे हो तो, पूजा में नहीं बैठे हो तो तुम्हारी पूजा हो रही है, हो जाएगी।